हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। जंतु कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक उपस्थित होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक अनुपस्थित होता है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगी तो आगे जरूर देखिएगा। नंबर 3, इनमें रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं। इनमें रिक्तिकाएं छोटी होती हैं या फिर अनुपस्थित होती हैं। इनमें लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। इनमें लाइसोसोम पाया जाता है या उपस्थित होता है। सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। सेंट्रियोल उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। इसमें संचित भोजन स्टार्च तथा वसा के रूप में होता है। इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।